वेलकम बैक टू विनर्स व्लॉग्स गाइस। ये हमारा दूसरा दिन है अहमदाबाद में और आज ये मेरा न्यू बुरखा है। इनका न्यू बुरखा है तो आज हम जा रहे हैं रामनगर। यहाँ अहमदाबाद में कहीं घूमे नहीं है अभी तक क्योंकि कल शादी में जाना था इस वजह से, और आज हम जा रहे हैं रामनगर। रामनगर जाने का वैसे कोई प्लान नहीं था, हमें नैनीताल जाना था लेकिन अचानक से प्रोग्राम बन गया तो मैंने सोचा इन्हें रामनगर ही घुमा देता हूँ, पास में भी है। वैसे तो हमें नैनीताल जाना था। कैसे लग रहा है मुझे बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बुरका अच्छा है यार, तो ऑटो वालों ने हमें यहाँ फेंका है, देखते हैं। यहाँ का जो टिकट घर है वो अभी बंद है, लोगों ने बताया 8 बजे खुलता है और अभी 7:55 होना है, तो यानी अभी हमें 5-6 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो गाइस हमने फाइनली टिकट ले लिए और ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। गाइस फाइनली हम ट्रेन में आके बैठ चुके हैं और हमें खिड़की वाली सीट भी मिल चुकी है, लेकिन ट्रेन का सफ़र आई डोंट लाइक, आई अवॉइड। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेन का सफ़र लेकिन मुझे रत्ती भर पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे अपने भाई? व्हाट यू वांट टू से? तो गाइस सीट बीट तो मिल गई है, अब मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जा रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को भूख भी लग रही है और सुबह हमने कुछ खाया भी नहीं था। हाँ कोक दे दो, एक ठंडी चिल्ड एकदम कोक दो को। चीज़ें तो मैंने ले ली है लेकिन डब्बा पता नहीं कौन सा था, मिल नहीं रहा यार, देखता हूँ। तो गाइस जो फैमिली हमारे जस्ट बराबर में बैठी थी ना उसमें लगभग 20 मेंबर थे, उसमें से 18 बच्चे थे, आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली ट्रेन चल चुकी है। क्या हुआ? तो ये यहाँ मेरे से कुछ कहना चाह रही है, इनको बाहर अभी अभी कुछ दिखाया और वही मुझे बता रही है, तो जल्दी बताओ ना। क्या? और इन्होंने मुझे बता दिया है, आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं समझ चुका हूँ, ये मुझे वहाँ पे आम के पेड़ दिखा रही हैं और साथ ही साथ चिप्स भी खा रही हैं। ये रहा राजू, हमारे सामने वाली सीट पे ही बैठा था और इसके ऐसे लग रहा है इसके हाथ पे चॉकलेट लगा हुआ है और ये चाट रहा है चॉकलेट को। तो गाइस हम आ चुके हैं रामनगर और अभी 11 बज रहे हैं, 9 बजे वाली ट्रेन में हम बैठे थे, अभी 2 घंटे में उसने पहुँचाया है और ये पीछे, ये तो अभी से थक गई। गाइस हम आ चुके हैं रामनगर और अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया यहाँ पे कोई झूले वाला पुल है जो कि काफ़ी फेमस है, तो हम वहीं जा रहे हैं झूले वाले पुल। अरे क्या हुआ? मेरी हालत खराब हो गई, मैंने जा रही
I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So guys, finally हम पहुंच चुके हैं झूले वाले पुल पे, और ये पूरे रास्ते मुझे आमों के पेड़ दिखाती हुई आई हैं। ये रही इतने आम थे यहाँ पे, मुझे मन कर रहा था कि आम को देख करके मेरा मन कर रहा था ना कि मैं तोड़ लूँ, तोड़ के उनको दे दूँ कि मेरे से तोड़वा लो, मैं तोड़ दूँ। पूरे रास्ते मुझे आमों के पेड़ दिखाती हुई आई हैं पूरे रास्ते। पता है एक एक छोटे छोटे पेड़ों पर इतने बहुत आम लगे हुए थे, बहुत सारे। और देखो पहाड़, अभी दिखाऊंगा ये। अभी हम पहाड़ों के बीच में ही हैं, इधर भी पहाड़ हैं, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, और इधर की साइड में भी ये देखो पीछे पहाड़ है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना वैसी फीलिंग आ रही है, कोई मूवी है ना ट्रैवलिंग की। रॉन्ग टर्न यहाँ पे कौन आ रहा है? रॉन्ग टर्न ऐसी जगह पे यार। दिखाता हूँ गाइस, हमारे सामने लोहे का पुल है। लोहे का नहीं, नहीं उसका झूले वाला पुल। झूले वाला पुल अब देखते हैं तो चल के पता चलेगा। तो गाइस अभी हमने यहाँ से पानी की बोतल ली है, उस पर इन्होंने 25 रुपये की दी है और इस पर प्रिंट है 20 रुपये का। और एक चीज़ और हमने एक गलती करी, हमने सोचा वहाँ पे जब हम स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे कुछ खाने पीने का था नहीं, भूख लग रही है बहुत तेज़ अभी भी, लेकिन वहाँ स्टेशन पे कुछ उनको बिरयानी खानी थी, लेकिन वहाँ स्टेशन के पास कुछ भी ऐसी कोई दुकान या मार्केट खाने पीने का कुछ भी नहीं था, तो हमने वहाँ से डायरेक्ट ऑटो ले लिया था, उसने हमें यहाँ ला के छोड़ दिया है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने का। तो आप ऐसी गलती ना करें, पहले ऑटो पकड़ के मार्केट जाइए, कुछ खाइए, उसके बाद यहाँ का ऑटो करना, या अपनी आप गाड़ी से आते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम अपनी गाड़ी से आए नहीं है क्योंकि हमारी जो धन्नो है वो दिल्ली में खड़ी है। दिल्ली में इन्होंने जानबूझ के खड़ी करी है, क्यों? क्योंकि इनको मेरे साथ आना था ना, इसलिए मैंने इतना ज़िद करा कि चलो बाइक से चल रहे हैं जहाँ मर्जी घूम लेंगे। अब ये मुझे ऑटो में घुमा रहे हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, ऑटो में घूमना चाहिए। तो गाइस ये पहाड़ आप देख सकते हैं, और सामने वो एक छोटी सी नदी सी भी है जो भी सूख चुकी है। एक टाइम पर काफ़ी पानी होता है यहाँ पर, लेकिन अभी पानी थोड़ा कम है, तो हमें वहीं जाना है। और वो आपको दिख रहा होगा ब्रिज, और ये रही ना, ये अभी से ही थक गई हैं, आगे चल के पता नहीं क्या होगा इनका। और ये देखिए इधर की साइड में भी ये जंगल सा दिख रहा है, इधर की साइड में भी ये जंगल सा है, और ये इस साइड में भी पहाड़। तो गाइज अभी हमें ये हिलने वाले पुल पे, और यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा है। देखो हिला के दिखाओ, देखो ये हिला रही है, और ये हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। जब आप यहाँ पे आएंगे ना तब आपको थोड़ा महसूस होगा, बाकी ऐसे तो नहीं हिलेगा। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का, आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ी है, और वो नीचे नदी है, और ये सामने हिना है, और लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। हम अभी वहीं नीचे जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा वो हिलने वाला पुल, हमने वो पूरा पार कर चुका है, पूरा पार कर दिया है। तो वो रहे पेड़, ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से, और अब हमें जाना है नीचे नदी में। गलती हो गई यार। और इधर ये पूरा जंगल है, जंगल या पहाड़ बोल सकते हैं आप, और हमें जाना है इधर। कान में क्या घुसेगा तुम्हारे? ध्यान से, आराम से। अरे 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 अरे, ये आ रहे, मेहनत करते हुए गिर मत जाना यार। मैं तो गिरने से बच गई, भाई आप भी गिरने से बचे हो। तुम्हें डर नहीं लगेगा इस पानी से? नहीं।
समुद्र से डर लगता है। धक्का दूं? फिसल मत जाना मैडम, बहुत तेज रहेंगे पत्थर है इसके अंदर। चले फिर। वाइज मैं तो तैयार हो चुका हूँ, ये अभी तैयारी कर रही है। तो गाइज ये रही, और पहली बार इनको पता चला है ना पानी से डर लगता है, इतने सारे पानी में इनकी हवा खराब हो रही है। जाके दिखाना जरा मुझे वहाँ, मैं तो चली जाऊंगी। इनसे ये जरा सी नदी पार नहीं हो रही वहाँ तक। आपसे नहीं हो रही, मेरे से मत बोलो। मैं से तो तैरना, बहुत गहरी नदी है यार ये। यार अगर तुम गिर गई तो कौन बचाएगा, मेरे से भी तैरना नहीं आता ना। सकते गाइस बहुत गहरा पानी है, कहीं भी ना। इसमें पानी में नदी वो है, क्या कहते हैं, मछली। इस पानी में मच्छी है, और ये मुझे एंजॉय नहीं करने दे रही, क्योंकि खुद डर को के मुझे और अलग से डरा दिया। अब मैं क्या करूँ, देखो दुनिया एंजॉय कर रही। करो ना तुम भी एंजॉय, तुम यहाँ पे करो, वो वहाँ पे कर रहे हैं। मोबाइल बिक जाएगा, मोबाइल बिक जाएगा। गाइस हमने अभी अपनी लाइफ का सबसे डेंजरस एडवेंचर किया है, हम उस साइड से इस साइड आए हैं, और बीच में पानी बहुत तेज है। अब देखने में नहीं लग रहा, मतलब बच्चों वाला खेल है, लेकिन देखने के लिए बहुत डरावना था। व्यू काफ़ी अच्छा है वैसे, फैमिली के साथ आने में बहुत इंजॉय करेंगे। दिखाना अपना टैलेंट, ये टैलेंट है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, देख सकते हैं इधर भी फैमिलीज है। और ये रही हिना, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इसमें ना मछलियाँ काट रही हैं पैरों पे। तुम्हारे नहीं काट रही? मेरे तो काट रही हैं यार मछलियाँ पैरों पे, बहुत तेज हो गई। देखो गाइस ये रही छोटी छोटी बच्चियाँ, ये पैरों पे काट रहे हैं। पकड़ो ना, देखो यहाँ पे बहुत सारी हैं। ए तुम्हारे बस की नहीं है, दोनों हाथों से पकड़ो। ये तो रही इतनी बहुत सारी, चश्मा क्यों नहीं लाई तुम अपना? तो इनके हाथ लगा बाबा जी का ढुल्लू, एक भी मच्छी हाथ नहीं आई। चलो मेरा हाथ आया, कितनी बहुत आ गई। पहले ही भाग जाती हैं, बहुत चलाक होती हैं। ये जलपरी की तरह लेटी हुई है यहाँ पे, और अपने आप ही उधर हो रही हैं, अपने आप ही बह रही हैं, और मेरे पैरों पे मछलियाँ लगी आ रही हैं यार, काट रही हैं जिंदा। कहाँ जाना है बहते हुए, बहुत दूर चली जाओगी तुम। जाओ जाओ यहाँ पे गाइस, चलते रहो तो फायदा है, वरना तो पैरों पे मछलियाँ काटती हैं। सही में जा रही हो क्या? अरे पागल हो गया, बह जाओगी, बह जाओगी, रुको रुको रुको, तुम बह जाओगी यार, तैरना नहीं आता, पागल हो गया, वहाँ पे गहरा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो गाइस ये रहे हम, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा, आई एम वेरी हैप्पी। आपने थैंक यू आपको कि जो आप मुझे यहाँ पे लेके आए। हाँ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए, और मैं नहीं काफ़ी इन्जॉय करें, रूबी और जूही को जरूर लेके आऊँगी, और शहनवाज को भी, हम यहाँ पे घूमना करूँगा। फैमिली के साथ ही ज़्यादा इन्जॉय होता है, इतना कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे पता चल रहा है, तो हम सबको लेकर के आएंगे ना, तब और मज़ा आएगा। यहाँ पे ज्यादातर फैमिली वाले लोग आए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज्यादातर फैमिली वाले लोग आए हुए हैं, देखिए पीछे, और हम सबसे दूर हैं, और हम अकेले हैं, हम ना उधर हैं ना इधर हैं, हम यहाँ पे बीच में हैं, और अकेले ही एंजॉय कर रहे हैं फुल।
बहुत मजा आ रहा है। देखो मेरे को तो भेजो, इनकी देखो ये सेठ थी। तो गाइस यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पब्लिक आ गई है। जब यहाँ पे हम शुरू में आए थे तो यहाँ पे दो चार फैमिली थी, और अब देखिए आप इतने बहुत सारे हैं, और ये पानी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी आपको दिखेंगे चारों तरफ। तो गाइस यहाँ हम आए थे लगभग 12:30 बजे के टाइम पे हम यहाँ आए थे, और अब हमें यहाँ 2 बज चुके हैं पूरे, और यहाँ पे काफ़ी हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। और वो रही देखिए हिना, वो रही बैठी हुई है, ये इनकी हरकतें अभी भी चालू हैं, पत्थरे मार रही हैं पता नहीं किसको, लेकिन गाइस यहाँ पे एंजॉय बहुत कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो गाइस हम अभी उधर जाने वाले हैं। तो गाइस हम फाइनली यहाँ आ चुके हैं। ये भी वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, और ये तो मतलब जो भी जगह है मतलब ऑसम है, मज़ा आ गया। मतलब मैं तो वहाँ से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, और ये भी मना कर रहे हैं मेरे को, वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। प्यासा लग रहा है, सुनो सुनो ना, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, इनको फ़ोटो की पड़ी है तो मैं इनकी फ़ोटो खींचने जा रही हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा, तो गाइज़ यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 2-3 घंटे से हम लगातार यहाँ पे नहा रहे हैं पानी में, और पूरा भीगे हुए हैं, लगातार 2-3 घंटे हो चुके हैं, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 6% चार्जिंग है जो कि बंद हो जाएगा फ़ोन, तो आगे का ब्लॉग हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो गाइज़ अभी हमें यहाँ के जंगलों में, देख सकते हैं आप कितना घना जंगल सा लग रहा है, दूर दूर से पेड़ यहाँ ड्रावना है। तो गाइस हम वहाँ से आ चुके हैं अभी, और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। तो अभी हम ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, जिधर से हम आए थे उधर से नहीं जा रहा है, ये कोई दूसरा रास्ता है जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा है, ये देख सकते हैं इधर की साइड में पूरे जंगल ही जंगल हैं, और हमारे सामने एक ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये यहाँ पर गिरजा शायद किसी, ये यहाँ पर मंदिर है, सामने टेम्पल है ये, और सामने इसके कितना बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, थक गए नहीं ना, और बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, हमने अभी कुछ खाया भी नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया सही में, यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत है यार, खाना नहीं मिलता। तो गाइज़ ये रास्ता हमें यहाँ ले आया गिरजिया पे, और यहाँ पे मंदिर भी हैं, तो यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ वहाँ से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल थी, भीड़ भाड़ थी, लेकिन व्यू यहाँ का भी काफ़ी अच्छा था, देख सकते हैं आप उधर का व्यू। तो गाइज हमने गिरजापा से ऑटो पकड़ा, और सीधे हम यहाँ मेन मार्केट में आ गए, ये रेलवे स्टेशन के पास में ही थी मेन मार्केट, और हमने यहाँ पे बिरयानी खाई, और हिना को दवाई भी खानी थी, तो इन्होंने यहाँ पे दवाई भी खाई अपनी। तो खाना वाना खाने के बाद हम वैसे काफ़ी थक चुके हैं, और खाना खाने के बाद तो नींद तो आती है, तो और थकान भी थी काफ़ी, तो मैंने हिना से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं घर जाना है उनको, तो 5 बजे की यहाँ से एक ट्रेन जाती है, तो लगभग 4:45 हो चुके थे, तो हम उसी ट्रेन में जा कर के बैठ गए। तो गाइज हमें अभी यहाँ पे ट्रेन चेंज करनी है, हो रही वहाँ पे, जल्दी भाग भाग के। कोई बात नहीं, जगह ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चढ़ियो। गाइस ये सो रहे हैं, इन्होंने मुझे बोर कर दिया है, मैं बहुत देर से ऐसे बैठी हुई हूँ,
और ये सो रहे हैं आराम से, इतनी नींद पूरी कर रहे हैं और मैं सो नहीं सकती, मेरा काजल फैल गया, मेरी आँखों के चक्कर लगा दिए। तो वहाँ पे 2-4 घंटे बिताने के बाद इनकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और इनको पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा था। वो देखो क्या है, वो देखो। तो गाइज हम वापस आ चुके हैं मुरादाबाद मेट्रो को, ही है मुरादाबाद रेलवे। हाँ तो गाइज हम वापस आ चुके हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे, और वो भी हम बिना टिकट के आए थे, बिना टिकट के। झूठ बोल रही है, टिकट मेरी जेब में। हम आए इसलिए क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, पानी में पूरे 2-3 घंटे 2-3 घंटे पानी में थी। जब ये बाहर निकली इनको ऐसा लग रहा है अभी भी पानी में ही हूँ, तो इनके पैर बढ़ाए नहीं जा रहे थे आगे, तो हम वापस आ गए।